गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट का अंतिम टॉपिक पे बात करें। इसके पहले हमने दो टॉपिक पे बात कर लिया। एक हमने फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसको देखे, दूसरा हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसी में से एक टॉपिक चल रहे हैं जिसका नाम है इंटेंसिटी, है ना। उसका नाम क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक एरिया है, कोई एक एरिया है ऐसा जहां पर तुम्हें क्या हो रहा है कि कुछ, जैसे अगर मांगो सिंपल सी बात करो कि अगर मेरे पास सन का जो शाइनिंग होता है ना, वो सन की शाइनिंग को ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। या फिर मेरे पास जो वंग वंग हुए वे वंग की जो यहाँ शाइनिंग आ रही है मेरे बोर्ड के पास, या तेरे तेरे घर में जो तेरा हमारा वंग वंग लगा हुआ होगा उसकी जो शाइनिंग तेरे पास आ रही होगी वो इंटेंसिटी होगा। अब कोई वंग ज़्यादा शाइनिंग दे रहा होगा, कोई वंग कम शाइनिंग दे रहा होगा। जो ज़्यादा शाइनिंग दे रहा है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, और जो कम शाइनिंग दे रहा है उसका इंटेंसिटी कम। ऐसे सन को देखो, समर सीजन में ज़्यादा शाइनिंग होता, ज़्यादा इंटेंसिटी होती उसकी लाइट, जबकि वह विंटर सीजन में उतनी लाइट का क्या होता है, इंटेंसिटी नहीं होता। तो हम यहाँ पर कहते हैं इंटेंसिटी है क्या। इंटेंसिटी है कि एक डिफिनिट एरिया पे, जैसे अगर हमारे पास अगर देखे कुछ, तो ये देखो मेरे पास है ना, अगर हमारे पास एक बुक है, ये बुक है, इस बुक का अपना एक एरिया है फिक्स्ड एरिया। इस फिक्स्ड एरिया के ऊपर जितने लाइट रे एक बार में इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रहा है वो मुझे कहा जाएगा इंटेंसिटी। वो मुझे क्या कहा जाएगा? इंटेंसिटी। तो मेरे पास क्या होगा कि सर ये एनर्जी इंसिडेंट यहाँ पर कर रहे हैं, ये एनर्जी इस जगह पर इंसिडेंट हो रही है, पर यूनिट टाइम जितने एनर्जीज के ऊपर इंसिडेंट होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे जितने रे इंसिडेंट या जितना एनर्जी यहां पे इंसिडेंट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम इस तरीके समझ सकते हैं ना कि इंटेंसिटी को अगर आई से डिनोट करें, तो इंटेंसिटी को अगर आई से डिनोट करेंगे तो आई इज कम टू ई वाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंस बाय एरिया इनटू टाइम, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी यहाँ से समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर इसे देखोगे, इंटेंसिटी इज कम टू एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एच न्यू, है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लो ये इंसिडेंट हो रहा है न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट, तो एच न्यू वाई एरिया इंटू टाइम। अगर मान लो एक हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिफिनिट मेटल, एक मेटल लिया सरफेस, इसके ऊपर एन फोटोन यहाँ से दिए, तो जितना फोटोन देंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर दोगे उतने फोटोन बाहर आएगा। तो एक फोटोन की इंटेंसिटी एच न्यू वाई ए टी है, तो एफ फोर एन फोटोन का कितना हो जाएगा, एन फोटोन के बारे में बात करें तो एन फोटोन पे क्या हो जाएगा कि सर आई, एन फोटोन का जो इंटेंसिटी होगा, आई इज कम टू एन एच न्यू और वाई क्या हो जाएगा, एरिया इन टू टाइम, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये टाइम इंटरवल तो फिक्स है, एरिया भी हमने फिक्स किया हुआ है, तो ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ फोटोन और दूसरा बात करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना, क्योंकि एच एक कांस्टेंट है, एरिया भी एक फिक्स्ड एरिया लिया था हमने अभी बुक पे बात किया था, तो एक एरिया को फिक्स्ड किए थे, तो एरिया भी फिक्स्ड था, टाइम तो हम करें यूनिट टाइम में करने के लिए वो भी फिक्स्ड है तेरा, तो तेरा जो इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है वो नंबर ऑफ फोटोन और इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो हम केमिस्ट्री में हम एक चीज़ को कंसिडर करते हैं, फिजिक्स में क्या होता है ये दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, वो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन पे भी डिपेंड करवाते हैं और किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पर भी करवाते हैं।
लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पार्ट को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं, कहते हैं कि जो भी लाइट आ रही है सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या कहते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर देंगे कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉन्स्टेंट। अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी को हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं तो मेरे पास इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन का, है ना। इसका हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन का, जितने फोटोन यहाँ से गिरेंगे उतने इंटेंसिटी यहाँ से बाहर आएगी, मतलब उतना इंटेंसिटी यहाँ होगा, जितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया आएगा उतने इंटेंसिटी यहाँ पर से आएंगे। ऐसे में अगर अभी कितना है, 6 गिरा, इसको 10 कर दो ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, 20 कर दो और ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, 30 कर दो इसको और ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन वहाँ पर गिरे होंगे, जितने एनर्जी इंसिडेंट हो रहा होगा उसकी इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा केमिस्ट्री के अनुसार से। फ्रिक्वेंसी को चेक हम फिजिक्स के अंदर भी करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर मुझे नंबर ऑफ फोटोन और नंबर क्या फ्रिक्वेंसी दोनों के बेस पे हमें क्या किया जाता है, इंटेंसिटी को चेक किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी क्या है, है ना। तो इंटेंसिटी आपको क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करना है, यहाँ तक। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो करेंट। क्या बोलते हैं इसे, फोटो करेंट। हम यहाँ पर बात करें सर फोटो करेंट, फोटो करेंट क्या होता है, जैसे अगर सिंपल सा सोचो कोई एक मेटल सरफेस है, इस मेटल यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, यहाँ से ये मेटल सरफेस और इसके ऊपर एन फोटोन यहाँ से आ रहा है, तो जितने फोटोन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा बाहर निकलेगा। अभी हमने बैटरी अप्लाई नहीं किया, बैटरी लगाई हुई नहीं है, अगर ये फोटोन निकला तो इधर जाएगा, यह अगर कैथोड से निकला तो एनोड की तरफ जाएगा, इससे यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब ये भागेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या, एक चार्ज पार्टिकल, और जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो जब वो भागेगा तो उसको रेट ऑफ ऑफ चार्ज डिफिनेशन तो आपने पढ़ा होगा करेंट का, है ना। तो अगर हमने करेंट की डिफिनेशन लगाते हैं आई इज कम टू क्या होता है, रेट ऑफ ऑफ चार्ज होता है, तो आई इज कम टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई हो जाएगा। अच्छा क्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, एन ई, अरे आपने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस होता है, है ना, जितना नंबर ऑफ फोटोन वहाँ से लॉस होता है। तो सर यहाँ एन ई, यहाँ चार्ज निकालने का फॉर्मूला, एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई वाई टी, एन ई वाई टी। तो आई इज कम टू आ गया, देखो एन वाई टी आई इन टू ई, इसको इस तरीके से याद करो, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, आप यहाँ से भी देख सकते हो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सर ये नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इनटू क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा फोटोन यहाँ पर आएंगे, जितना ज्यादा फोटोन पर यूनिट टाइम गिरेगा उतने ज्यादा क्या होंगे, ये तो ई कॉन्स्टेंट है ना, तो एक यूनिट टाइम में जितना ज्यादा फोटोन आया उतना ज़्यादा करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, है ना। इसमें देखो तुम्हारे घर में या आसपास सोलर पैनल लगे होते हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य पंगेट, है ना, हिंदी में बोलते हैं उसको सूर्य पंगेट, बट वो क्या होता है, सोलर जो पैनल होता है उसको समर सीजन में क्या होता है ना, वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि समर सीजन में नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटोन जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये भी बात समझ में आ गया कि सर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन वहाँ पर इंसिडेंट होंगे उसके पास करंट की संख्या उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उतने ही ज़्यादा करंट यहाँ प्रोड्यूस होंगे। आपको समझ में आया इंटेंसिटी, हमने समझाया आपको फोटो करेंट, दो बातें आपको अच्छे समझ में आई। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मेरे पास क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी के साथ या इंटेंसिटी के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है,
हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा और अभी हमने फोटो करेंट पढ़ा, वो कैसे वेरिएबल होता है, है ना। अगले हेडिंग देंगे वेरिएबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वेरिएबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड क्या क्या एक फोटो करेंट, फोटो करेंट फोटो करेंट ये हो जाएगा, है ना। वेरिएबल ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करेंट, कैसे ये वेरी करता है उसको देखना है। तो सबसे पहले तो आप देखें, आपको हमने पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। और दूसरा तुम्हें पढ़ाए थे हम लोग कि अब यहां से पहले देखो उसके बाद दूसरी की बात करें, ये एच न्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है तेरा, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो हमने काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर क्या किए थे, ई वी नॉट किए थे, यही मेटॉट पोटेंशियल था। तो ई वी नॉट जो होता है वो भी तो इसी पर डिपेंड करेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी पर। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से हमको ये चीज़ें समझो, अगर कोई एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे मेटल सरफेस है, अब मान लो यहाँ से कोई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या फिर ऐसा करो 5 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ से दिया गया, 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया गया, इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मान लो 2 हर्ट्ज है, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी यहाँ से दिया गया, और यहाँ से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा या 3 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बचा, इससे ये जो इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब अगर हर बार हमने इतने इंटेंसिटी दिया, अगर सोचो एक बार दिए तो एक फोटोन आया, हमने कहा कि जितने नंबर ऑफ फोटोन गिराओगे, जितने नंबर ऑफ फोटोन गिराओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे बाहर आएंगे, तो एक फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी वो तो इतने ही रह जाएगी। दूसरा अगर गिराएंगे तो भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा, तीसरा गिराएंगे वो भी उतने ही से निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे ये फर्क पड़ रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी उतना का उतना ही सबका है, फर्क क्या पड़ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के कारण से ना नंबर ऑफ फोटोन बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, और ना काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप कहेंगे एक बार कॉपी करने उसके बाद हम इसका आगे लिखते हैं। अब यहां से देखोगे यहां से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन, इट लिनियरली डिपेंड्स करते हैं ना, डायरेक्टली नहीं, लिनियरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या इंसिडेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। तो जितना एनर्जी किसे की फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट होता है इसके ऊपर, उस पर डिपेंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितने इंटेंसिटी आया,
तो आपको दो चीज़ों से पता चलूंगा। हमने इसका दोनों का ग्राफ भी पढ़ाया था, अगर याद होगा तो हमने पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी जो कि ग्राफ यहाँ से और फ्रिक्वेंसी के बीच का ग्राफ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता था इस तरीके से, है ना, और ये इस तरीके से चला जाता था, देखना सीधा ये नया धन। इसका जो स्लोप होता था वो एच होता था, और जो इसका इंटरसेप्ट पॉइंट होते थे माइनस एच न्यू, ऐसा पता है। जबकि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनाए थे, इसकी ग्राफ इस तरीके से गए। इसका जो स्लोप आया था एच न्यू बाई या एच बाई ई आया था, और इसका इंटरसेप्ट पॉइंट था माइनस एच न्यू नॉट बाई। तो ये दोनों का दोनों जो डिपेंड कर रहा था वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नॉट इंटेंसिटी के ऊपर, है ना, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और इंटेंसिटी की बात करें तो ये कुछ ग्राफ इसके ऐसे आ सकते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहां से काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बात करें तो हम देखो अभी बताएं कि अगर मान लो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से निकलता है, अगर ना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसका वर्क फंक्शन है तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितने रेडिएशन गिरा रहे हो, इसलिए इसकी ग्राफ जो होती है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट रे के बीच का ग्राफ। आगे सर हम अगर यहाँ से बात करें किसके ऊपर, फोटो करेंट के ऊपर, है ना, अच्छा फोटो करेंट को चेक करते हैं क्या ये डिपेंड करता है नहीं डिपेंड करता। तो हमने पढ़ा भी क्या आई इज कम टू एन वाई टी क्रॉस ए, एन वाई टी क्रॉस ए नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम एन टू ई क्या है। अब तो सोचो यहाँ से अगर हम मानो कि हम यहाँ से कोई मेटल का सरफेस लिए, अब अगर इसका मानो इसका 5 किलोहर्ट्ज इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर 3 किलोहर्ट्ज का हमने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया, तो बताओ क्या ये फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना, इससे फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि सर और भी बढ़ाए इसको, क्या 4 किलोहर्ट्ज किए तो कर पाएगा, ये 4 किलोहर्ट्ज में होगा तो भी नहीं होगा, 5 किलोहर्ट्ज करेंगे तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर विदाउट बैटरी हमने लगाया है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट यहाँ पर आगे जा नहीं पाएगा, है ना। तो जब 5 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देंगे तब जा करके ये निकालना यहाँ से क्या होगा शुरू होगा, और जब ये निकालना शुरू होगा तो यहाँ से निकालना शुरू होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागने शुरू होंगे। तो 5 किलोहर्ट्ज का जब हम अब देखो ये फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट कहते हैं, तो जितना ज़्यादा 5 किलोहर्ट्ज का यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटेंसिटी गिराएंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा ये आएगा। मान लो हमने यहाँ पर क्या किया एन फोटोन गिराया, है ना, इसके ऊपर क्या किया हमने एन फोटोन गिराया, तो जब एन फोटोन यहाँ पर गिराए होंगे इस तरीके से, या चाहो ऐसा करते हैं अगर मेटल है इसके ऊपर हमने 100 फोटोन गिराया, तो 100 फोटोन गिराया तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, और ये 100 इलेक्ट्रॉन मतलब आई बराबर एन बाई टी इंटू। तो अगर सोचो शुरू में हमने अगर इसकी ग्राफ बनानी, मुझे मानो यहाँ पर फोटो करेंट और इसके बीच के ग्राफ दे दें, फ्रिक्वेंसी के बीच का ग्राफ देते फ्रिक्वेंसी का, अभी मानो जब हमने क्या कहा, जब हमने कहा कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 किलोहर्ट्ज है, है ना, और हम यहाँ से 3 किलोहर्ट्ज दे रहे हैं तो फोटोमैटिक नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आएगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो करेंट जीरो देंगे,
हम दूसरे चौक में थे, दूसरे कमरे का चौक, उससे समझाते है ना, तो वहां से तुम्हें क्या रहेगा? अगर मान लो और भी 100 फोटो दे दिए चिरक महर्ष का, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मान लो इसका कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इतना दूर में कोई करंट नहीं बना होगा, है ना, इतना दूर में कोई करंट नहीं बना होगा। जैसे हम यहाँ पर 5 किलो हर्ट्ज का कुछ फोटोन गिराए होंगे, तब इससे बनना शुरू हुआ होगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन तो निकले होंगे, बट इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं गिर गया होगा, करंट नहीं बन पाया होगा, तो इससे थोड़ा सा आगे और जाएगा, ये थोड़ा सा आगे और जाएगा। अब मान लो हमने 5 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा कर दिया और यहाँ पर 6 किलो हर्ट्ज कर दिए या 100 किलो हर्ट्ज कर दिए, और यहाँ पर हमने 100 फोटोन निकाला, तो जब 100 फोटोन इस पर डाले, तो 100 फोटोन डालने से क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ से कुछ करंट यहाँ बढ़ेगा, जितना फोटोन आएगा उतना करंट बढ़ेगा, तो हम इस तरीके से बनाते हैं कितना करंट ये बढ़ा है ना। अब इसके बाद 100 फोटोन निकला, हर बार 100 फोटोन निकल रहा है, तो करंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट करंट यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। लेकिन अब मानो हमने यहाँ पर क्या किया कि 200 फोटोन यहाँ गिरा दिए, तो जब 200 फोटोन किए करंट फिर बढ़ा, करंट फिर बढ़ा, और करंट फिर बढ़ा, अब फिर जाकर के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो फिर क्या जाएगा। अब 300 फोटोन बढ़ाएंगे तो फिर करंट बढ़ेगा, तो जितने नंबर ऑफ फोटोन हम इसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, पर यूनिट एरिया पर जितने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जाएंगे उतना करंट बढ़ता चला जाएगा। तो फोटो करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे, है ना, तो यहाँ क्या होगा, फोटो करेंट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर ये डिपेंड करता है, हो रहेगा। तो जितना हम यहाँ पर क्या कहते जाएंगे, फोटो मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट करवाते जाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर फोटो करेंट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सबकी कंपेरिजन किया, हम यहाँ तक क्या करते हैं, फोटो मैटिक इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। तो आपको अभी तक हम यहाँ से क्या करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। आप अपनी काम करें, जब भी आप क्लास कर रहे हो, है ना, ये क्लास थोड़ा सा हमने डिटेल में बातें की है, क्योंकि जो अभी 11th में होंगे उनको थोड़ा बहुत समस्याएँ आते होंगे, दिक्कत होती होगी इस टॉपिक में, बट कोई बात नहीं है, है ना, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे यहाँ पर और भी बार रिविजन होगा, तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। लेकिन जो बच्चे 12th या 12th पास होंगे उनको ये चीज़ें अच्छे समझ में आते होंगे, क्योंकि उनको मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ इससे सीखे हुए हैं, है ना। इसलिए इनमें थोड़ा दिक्कत होता है, पेशेंस रखें, आप धीरे धीरे सीखेंगे, आगे भी बहुत लंबी रास्ता है, है ना, हम चीज़ों को और भी एनालाइज करते जाएंगे और भी अच्छे से सीखते जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा डिटेल में बात किया फोटोमैटिक इफेक्ट, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है केमिस्ट्री को, बट हमने जब सोचा कि जब पढ़ाए तो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको क्या किया, ज़्यादा डिटेल में बात की। लेकिन आपका काम है, आप नोट्स बनाएं, उसके ऊपर क्वेश्चन करें, है ना, जितना बेहतर क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तेरे में इम्प्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक रहने दो।